उत्तर प्रदेश में प्रायः ब्राह्मण समुदाय को अत्याचार करने वाला बताया जाता है, न कि वह जिस पर अत्याचार होता है। और आर्टिकल 15 जैसी फिल्में इस नैरेटिव को बल भी देती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद ने दावा किया है कि वर्तमान सरकार के अधीन ब्राह्मण उत्पीड़ित महसूस कर रहे हैं। प्रसाद ने कहा कि राज्य में ब्राह्मण समुदाय के अस्तित्व को खतरा है, समुदाय को न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है और उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, उसे अपने अधिकार नहीं मिल रहे हैं और समय की मांग है कि वे एकजुट होकर अपनी पहचान के लिए लड़ें। पूर्व कांग्रेस नेता जितेंद्र प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद हर जिले में ब्राह्मण चेतना परिषद स्थापित करके राज्य के ब्राह्मणों से संवाद करना चाहते हैं। प्रसाद ने कहा कि वे उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न का शिकार हो रहे ब्राह्मणों को एकजुट करना चाहते हैं। जब प्रदेश का सारा ध्यान विकास दुबे को पकड़ने पर केंद्रित था, तब प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद के लेटर हेड पर बयान जारी कर कहा कि ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से संवाद स्थापित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। इस परिषद की शुरुआत 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनावी वर्ष में ही हुई थी, लेकिन यह विधानसभा चुनावों में भाजपा के मतों में सेंध नहीं लगा पाया था। हालांकि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्वयं को प्रसाद के इस प्रयास से दूर करती नजर आ रही है। UPCC के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, यह प्रसाद का व्यक्तिगत मामला है और उन्हें इस विषय में कुछ नहीं कहना है। इससे पहले कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के पहले भी ब्राह्मणों को आकर्षित करने का प्रयास किया था। राहुल गांधी स्वयं को जनेऊधारी ब्राह्मण बता चुके हैं और योगी आदित्यनाथ शासित राज्य में पार्टी अब समुदाय के निकट जाने की कोशिश कर रही है। वर्तमान में योगी COVID-19 के विरुद्ध लड़ने और प्रदेश लौटे प्रवासियों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए नीति सुधारों और प्रयासों में व्यस्त हैं। वहीं कांग्रेस COVID-19 की लड़ाई जाति और कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर निशाना साध रही है। साथ ही 2022 के लिए वह अपना मार्ग भी प्रशस्त कर रही है।